पिछले दिनों हुए जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले में हमारे देश के 11 जवान शहीद हो गए थे। इस हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई में एक रैली का आयोजन किया गया। यह रैली ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट नामक संस्था ने किया। इस रैली में भारी संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल होकर शहीदों को श्रद्धांजलि दिए। इस खास मौके पर इस संस्था के अध्यक्ष एसपी आहूजा भी मौजूद थे। वो खास करके जो 11 हमारे जवान शहीद हुए हैं कश्मीर में पिछले 8-10 दिन पहले, उनके उस पाकिस्तान के अटैक को निषेध करने के लिए, उस अटैक को कंडेम करने के लिए और दुनिया को, संसार को, वर्ल्ड को बताने के लिए कि यहाँ का हिंदुस्तान का जो हर एक नागरिक है, वो बेशक बच्चा है, बूढ़ा है, कोई महिला है या कोई भी हो, हम इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस चीज़ का मुँह तोड़ हम जवाब देंगे, जवाब देने के हम काबिल हैं। और हम ये सिर्फ एक सिग्नल मैसेज देना चाहते हैं पाकिस्तान को कि हे पाकिस्तानियों, सुधर जाओ, हमारे देश पर, हमारे हिंदुस्तान पर बुरी नज़र देखना नहीं आपने, और हमारे जो इनोसेंट, हमारी जो जाने हैं, जो हमारे इनोसेंट सिविलियंस हैं, उनको भी हमला ना करो। अगर आपको कोई लड़ना है तो आप फ्रंट पे हमारे नौजवान, जो हमारे बहादुर नौजवान हैं, उनसे आप लड़ के देखो, फिर आपको कैसे पाने सिखाते हैं, क्या आपको नानी याद कराते हैं, वो हमारे जवान आपको देंगे। ऐसे घुस के चोरों की तरह अंदर हमारे देश में आके हमारे देश में अशांति फैलाने की कोशिश बिल्कुल ना करो। इसके अलावा इस रैली में नेशनल लोक हिंद पार्टी के अध्यक्ष बदी उजमान खान, गरीब नवाज भी शामिल थे और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ पाकिस्तान को नहीं देखना चाहिए बल्कि हमारा एक और बड़ा दुश्मन है चीन, जो हमें हमेशा धोखा देते आ रहा है। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि पाकिस्तान को जल्द से जल्द प्रॉक्सी वॉर बंद कर देना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान हमेशा एक प्रॉक्सी वॉर भारत पर मुसलत करना चाहता है, वो हमारी शांति को भंग करना चाहता है। इसके पीछे उसका जो मकसद है उसे समझना नहायत ज़रूरी है। इस तरह की कार्रवाई करके हमारी तरक्की और हमारी जो उन्नति है उसको रोकने के लिए इनकी बहुत ही गहरी षड्यंत्र है, जिसे तमाम नागरिक को समझना चाहिए। जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ है, जब भी जंग हुई है हर देश पीछे गया है, और अगर इस तरह से हमें ललकार रहे हैं तो इसके पीछे इनकी मानसिकता समझना बहुत ज़रूरी है। आज हम भारतवासी तरक्की करने जा रहे हैं, हम तरक्की की राह पर हैं, हम दुनिया में तरक्की कर रहे हैं, लिहाजा ये विश्व के कुछ तत्वों को देखा नहीं जा रहा, लिहाजा भारतवासियों पर एक प्रॉक्सी वार मुसलत करने की साजिश है, हमें साजिश को समझना चाहिए। और मैं कहूँगा कि भारत के जो 35 करोड़ मुस्लिम समाज के लोग हैं, पहले उनकी भावना क्या है समझ लीजिए। जब भी पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है, भारत के मुस्लिम समुदाय ने हमेशा उठकर उसका बहुत ही खतरनाक तरीके से, बहुत ही मुंहतोड़ जवाब दिया है। 1948 में ब्रिगेडियर उस्मान ने, 1965 में वीर अब्दुल हमीद ने, और कारगिल जंग में कैप्टन हनीफुद्दीन ने जो उनका हश्र किया है वो ज़िंदगी भर भूल नहीं सकेंगे। वो ये कहकर आए थे, सोच कर आए थे कि हम नाश्ता करेंगे कराची में और खाना खाएंगे दिल्ली में, उनकी हसरत उनके साथ उन्हें वापस भेज दी गई और हमने अब तक अपनी सरहदों की हिफाजत की, बचाया उसकी। मैं एक सोल्यूशन पेश करूँगा, वो ये, तमाम नागरिक ये समझ लें कि हमारे साथ दो बड़े दुश्मन हैं जो हमारी सरहदों की तरफ निगाह रखते हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। हम जो है हमेशा एक तरफ निगाह देखते हैं जबकि हमारी पीठ के पीछे खंजर खोप के चले जाते हैं। लोग बात करने की बात करके आते हैं कि चलो हम बात करते हैं, आने से पहले वो हमारी सरहदों के ऊपर 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर चाइना जो है वो कब्जा करके चले जाता है और फिर बात करने के लिए आते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे डाकू मंगल सिंह पहले चिट्ठी भेजे कि हम आ रहे हैं आपके घर को लूटने के लिए, उसके बाद आकर लूट के लेके आता है। ये इसकी इतनी देदा दिलेरी है कि हमारे भारत में घुसकर वो हमारी ज़मीनों को पहले कब्जा करता है और बाद में आकर शांति की बात करता है। हमें भारत में हिंदू मुस्लिम मिलकर एक नया विकल्प पैदा करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तानी आँख उठाकर देखे तो भारत के 35 करोड़ मुसलमान उसका जवाब दें, अगर चाइना इस तरफ निगाह देखे तो भारत के तमाम लोग मिलकर ये डिमांड करें कि हमारा कैलाश पर्वत और मानसरोवर जो तुम्हारे कब्जे में है, हम उसे आज़ाद करना भी जानते हैं।